नमस्कार, चक्रव्यूह में बहुत स्वागत है आपका। आज साथ आपके मैं हूँ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपके साथ इस वक्त मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति नेगी। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। बीजेपी में अब सितारों का मेला लगा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर के टॉलीवुड तक के सितारे एक के बाद एक करके बीजेपी में लाइन लगा करके शामिल हो रहे हैं। कल होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में मिथुन चक्रवर्ती का पहुंचना तय हो चुका है। मिथुन कल बीजेपी की सदस्यता भी ले सकते हैं। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसन्नजीत और अभिनेत्री पायल सरकार भी बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं। और इसके अलावा कल तक ममता बनर्जी के लिए जान देने की बात करने वाले उनके विधायक अब दीदी के खिलाफ ही रैलियां निकाल रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने 27 मौजूदा विधायकों का पत्ता काट दिया है, जिसकी वजह से पार्टी में असंतोष सामने आ गया है। और अब से कुछ देर पहले खबर यह आई है कि ममता की करीबी रही सोनाली गुहा भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। जिसका टिकट कटा है वो ममता से किनारा कर रहा है। और देखिए चक्रव्यूह में तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर जमहूरियत का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी में कितने तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं, इसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो जी हिंदुस्तान को मिला है। और इस ऑडियो में कथित तौर पर ओवैसी और जमीरुल हसन की फोन पर बातचीत है। और जमीरुल हसन और अब AIMIM से बाहर हो चुके वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत माता की जय करने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चौथी खबर होगी, किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है। आंदोलनकारी किस तरीके से दरअसल यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन उनकी हवा निकल चुकी है। लेकिन साथ ही ये बता दें कि फर्जी हवा बनाने के लिए फर्जी किसानों से यहाँ पर आज KMP हाईवे जाम करने का ऐलान किया था। ये प्रदर्शन भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और चलिए जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है पश्चिम बंगाल से, उसी का हम रुख कर लेते हैं। चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। देर शाम तक ये लिस्ट सामने आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अभी दो चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना चाहेगी और नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस बैठक में शामिल थे। नाम फाइनल हो चुके हैं, अब सिर्फ उनका सामने आना बाकी बचा रह गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शुरुआती दो चरणों का जो चुनाव है उसके उम्मीदवारों की लिस्ट आज सामने आ जाएगी। 60 कुल ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर से पर्दा आज देर शाम तक हट जाएगा। आज 6 तारीख है, 9 तारीख तक नामांकन कर देना है। और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी अपने उम्मीदवारों की। अच्छा, इंतजार अगर हो रहा था ममता बनर्जी की लिस्ट का तो वो भी कल आ चुकी है। और उस तब से लेकर के अब तक भी जो माथा पच्ची करनी थी बीजेपी कर चुकी है। उम्मीद यह है कि लिस्ट आज शाम तक आ जाएगी। हितेन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हितेन, क्या उम्मीद की जाए, कितने बजे तक सामने आ सकती है लिस्ट? बिल्कुल शालिनी, के अनुमान हर बार की तरह 6:30 बजे बाद ही जो है बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज पहली लिस्ट 60 सीटों के 60 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो दिल्ली से करेगी। हालांकि नाम पूरे तय हो चुके, सूत्र साफ साफ कह रहे कि आज प्रधानमंत्री की रैली के पहले आज उन चेहरों का ऐलान कर दिया जाएगा जो कल वहां पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री की रैली में, ताकि पूरे बंगाल को दिखा पाए कि प्रधानमंत्री किन के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए। साथ ही साथ बता दें कि सोर्सेस साफ साफ कह रहे कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ। हाँ। ये साफ हो चुका है कि देखिए नंदीग्राम उनकी पारंपरिक सीट है, ममता बनर्जी खुद की सीट छोड़ के नंदीग्राम चैलेंज देने पहुंची है शुभेंदु अधिकारी को। और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार स्वागत करते हुए कह रहे कि 3 गुना डबल वोटों से वो इस बार, जब सब कुछ तैयार है तो फिर देर क्यों हो रही है? क्योंकि परसों लगातार मैराथन बैठक चली थी, मंथन हुआ था, उम्मीद तो ये थी कि कल नाम आ जाएगा। अब कल जब ममता बनर्जी की लिस्ट सामने आ गई है और उसके बाद भी इतना डिले, इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझेंगे। लेकिन हम फिलहाल बहुत शुक्रिया हितेन इस तमाम जानकारी के लिए। और कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। प्रधानमंत्री की रैली में शामिल हो सकते हैं बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, ये सबसे अहम खबर। मिथुन चक्रवर्ती का यहां पर पहुंचना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती पहुंचेंगे और बंगाली लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है मिथुन चक्रवर्ती। इसके अलावा अक्षय कुमार के भी रैली में आने की अटकलें तेज है। कई और बड़े नेता और सितारे इसमें शामिल हो सकते हैं। सौरभ गांगुली का नाम भी इसके पहले आया था कि वो शामिल होंगे मोदी की इस रैली में और हो सकता है बीजेपी वो ज्वाइन भी कर ले। लेकिन अहम खबर यही कि बॉलीवुड और टॉलीवुड, मतलब ये जो दो
दो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बड़े चेहरे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। और जी हिंदुस्तान के साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बात की, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अहम खबर इस वक्त की, 200 सीट क्या, हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे बंगाल के अंदर। ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। विजयवर्गीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में गेम चेंज कर दिया ये कहते भी नजर आए। कल कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, और रैली में इतने लोग पहुंचेंगे कि ब्रिगेड मैदान छोटा पड़ जाएगा, ये दावा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। सर, प्रधानमंत्री की रैली की पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं, लगातार मैं कल से ही देख रहा हूं आप यहां पर लगे हुए हैं, कितनी संख्या हो जाएगी सर लोगों की यहां पर? बस ये मैदान छोटा पड़ेगा, संख्या गिनने का काम आप करिएगा, बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली होगी इतना मैं कह सकता हूं। सर, अभी जो सीपीएम की रैली हुई थी उसमें ये ग्राउंड खाली रह गया था, मैं खुद यहाँ पर आके कवर करके गया हूँ, आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जो रैली करने वाली है वो गेम चेंजर साबित होगी? गेम चेंज तो हो चुका है, कल उस पर मोहर लगने वाली है। गेम चेंजर तो पहले ही प्रधानमंत्री जी कर गए हैं, और अब कल मोहर लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीट जीतेगी, इसकी सील लगने वाली है। कल यहाँ पर मंच पर सर कई बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ पर शामिल होने के लिए होंगे, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, सौरभ गांगुली जैसे तमाम बड़े नाम सामने हैं। सर, आपको लगता है कि ये लोग होंगे कल मंच पर? देखिए, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हमारे पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और जनता होगी, बीच में जो भी होगा वो जनता का ही प्रतिनिधि होगा। और मेरे सहयोगी सरफराज सैफी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधा बंगाल से मेरे साथ, उनका हम रुख कर लेते हैं। सरफराज, जब मैं पहुंची थी बंगाल और वहां हल्दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो मैंने खुद देखा था कि वो जगह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पे किस तरह से छोटी पड़ गई थी और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए थे। अब अगर कल होने वाली रैली की हम बात करें, उसकी क्या तैयारी है? देखिए शालिनी, तैयारी बहुत जबरदस्त है, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है। एक तो इसलिए क्योंकि कोलकाता में ये रैली हो रही है, और दूसरा इसलिए कि यहाँ पर कई फिल्म स्टार भी आ रहे हैं। जैसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती के अलावा अक्षय कुमार भी हो सकते हैं, पायल सरकार रहेगी, उसके अलावा कई और नाम बड़े यहाँ पर हो सकते हैं। इन सबके बीच भव्य लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर तैयारी चल रही है, और जिस तरीके से हमारी बात हुई है बीजेपी के नेताओं से, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दूसरे प्रदेशों से यानी गुजरात तक के यहां पर उनके फैंस आ रहे हैं मोदी साहब को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और जिस तरीके से शालिनी, आपको मालूम है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, लगातार ममता दीदी पर किस तरीके से हमला बोलते हैं ये जग जाहिर है, और कल भी इसी तरीके के जुमलों का इस्तेमाल हम यहां पर होता देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरी रैली को कवर करने के लिए जो रैली कल होने वाली है, बहुत बड़े लेवल पर तैयारी हो रही है। मैं लौटूंगी सरफराज आपके पास दोबारा, और जो तैयारियां चल रही है उसका आगे भी आपसे जायजा लूंगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे थे जी हिंदुस्तान के साथ, कहा है उन्होंने नंदीग्राम ही नहीं कहीं से भी ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी, ये बड़ी खबर। 294 सीटों में से कहीं से भी लड़ ले ममता बनर्जी, ये एक तरह से सीधे सीधे उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा किसी भी सीट से ममता बनर्जी लड़ करके देख ले, जीत नहीं पाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ट्रेलर दिखाया था, पूरी फिल्म हम विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे, ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने जी हिंदुस्तान से कही है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने हुकार भर दी है, खड़ी हो गई हैं, उन्होंने दूसरी सीट छोड़ दी है जहां से वो पहले चुनाव लड़ती थी। ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी खुलकर सामने आ गई हैं कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम? 294 सीट में से ममता जी कहीं से भी लड़ें वो चुनाव हारेगी, क्योंकि 10 साल के अंदर जिस प्रकार बंगाल का शोषण हुआ, जिस प्रकार से बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार महिलाओं का शील हरण हुआ है, जिस प्रकार बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति हुई है, उसके कारण जनता उनको सबक देगी। 2016 और 2021 के चुनाव में फ़र्क क्या है? 2016 में भी आप लोग बड़े दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े थे, 2019 में अच्छी रिजल्ट मिले, 2021 में ऐसा क्या बदल गया सर कि आप लोग कह रहे हैं कि अब सरकार बनेगी तो बीजेपी की ममता जी गई? 2016 में हमारी कोई बहुत ही ऐसी भूमिका नहीं थी कि हम सरकार बना रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे सिर्फ, और इस बार हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। और इसलिए कि हमने ट्रेलर दिखा दिया लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ममता जी कहती थी कि इनको गोल अंडा रसगुल्ला मिलेगा, 18 सीट जीती है हमने, और वो भी अगर पोलिंग बूथ पे कब्जे नहीं होते तो हम कम से कम 25 सीट जीतते, हमारी 2-4 सीटें तो 5-5, 6-6 हज़ार से हम लोग लूज़ किए। तो आप समझ सकते हैं ट्रेलर लोकसभा चुनाव था और फिल्म पूरी विधानसभा। इस बार कब्जा नहीं होगा बूथ पे, ये आप श्योर हैं इस चीज़ को लेकर? हम कोशिश करेंगे, चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया। तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है, ये कह रहे कैलाश
प्रकाश विजयवर्गीय, सरफराज सैफी का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। सरफराज, देखिए रवायत होती है कि चुनाव के पहले हर पार्टी अपनी जीत का दम भरती है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस बार कुछ अलग लग रहा है। देखिए शालिनी, आप खुद बंगाल रहकर गई हैं, काफी लंबा वक्त आपने गुजारा है, यहाँ के वोटरों से भी आपने बातचीत की है, मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ। देखिए मिला जुला असर है, यहाँ पर अभी कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, तमाम पार्टियां यहां पर जीत का दावा कर रही हैं, और दावा ये भी कर रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का जब काउंटिंग होगी, हमें इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का जिस दिन वोटिंग होगी, और सबसे बड़ी बात लेकिन है उसके पहले तक बंगाल चुनाव का हर रंग दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज, लेकिन नजर बंगाल चुनाव पर बनाकर रखिए आप। चलिए एक और अहम खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो चुका है, कैलाश विजयवर्गीय ने लॉन्च की है इस सॉन्ग की सीडी। बड़ी खबर, दर्शकों को रिझाने के लिए, जो वहां के जनता है उन्हें रिझाने के लिए बीजेपी की तरफ से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय खुद वहां पर मौजूद है, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो सीडी है इस सॉन्ग की वो कैलाश विजयवर्गीय लॉन्च करते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के कद्दावर नेता रहे दिनेश त्रिवेदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि टीएमसी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। यह भी कहा गया कि बीजेपी से जुड़कर देश की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य है उनका। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में हिंसा चरम पर है, वहां पर हर चीज में कमीशन देना पड़ता है, यानी साफ तौर पर उन्होंने तमाम वो चीजें जिनको टीएमसी में रहकर वो फेस कर रहे थे, जिनसे घुटन हो रही थी, जिसकी वजह से टीएमसी छोड़ने पर मजबूर हुए, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहां दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और हर व्यक्ति को ये एहसास है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और जनता, भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित रखेगी। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फोन करके कहता था कि यहाँ तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहाँ भी चंदा देना पड़ता है, और एक नहीं, हर रोज कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन, मतलब बंगाल बंगाल है, आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा। तो एक तरफ दिनेश त्रिवेदी ने कट मनी की पोल खोलते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी को बेनकाब किया है, चेहरा जो अब तक ममता बनर्जी छुपाए हुए थी उसको सामने रखा है, और दूसरी ओर दीदी के दल में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने दंगल करना शुरू कर दिया। दक्षिण 24 परगना में भांगपुर से टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। पार्टी ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की गई, सड़क पर टायर और लकड़ियां जलाकर आग लगा दी गई। ये देखिए किस तरीके से, कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या अब इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। टिकट बंटवारे के बाद टीएमसी में भगदड़ कैसे मच रही है वो भी देखिए। टिकट कटने से नाराज नेता बागी हो गए हैं, टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम बागी हो गए। नाराज टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम ने मार्च निकाला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। सिटिंग विधायक जो है 27, जिनके टिकट काटे गए हैं, जिनको इस बार मौका नहीं दिया गया है, कैसे उनका विरोध झेल रही है टीएमसी, देखिए जरा ये तस्वीरें अराबुल इस्लाम के मार्च की है। टिकट कटने के बाद उन्होंने ये मार्च निकाला है। एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के घर के अंदर ही ममता बनर्जी को मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और लिस्ट जारी होने के बाद टीएमसी कोर कमेटी के सदस्य और पार्टी प्रवक्ता दिनेश बजाज ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने दीदी पर हिंदी भाषियों का अपमान करने का आरोप लगाया और साफ तौर पर यह कह दिया कि बीजेपी जब भी ज्वाइन कराएगी वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। यानी एक के बाद एक लगातार टीएमसी को बड़े झटके लग रहे हैं।
बाद भी दीदी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे 2006 में कि तुम आओ, तुमको लड़ना पड़ेगा। उनके आह्वान पर, उनके रिक्वेस्ट पर मैं गया था पार्टी में और मैं लड़के चुनाव जीत के आया। वो मेरे पिताजी 2001 से 2006 MLA थे, उनका काम था, उसके कारण मैं जीता। लेकिन उसके बाद भी अगर पार्टी ने इस तरह से मुझे दरकिनार कर दिया तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ठीक है, बीजेपी ज्वाइन करोगे आप? आपने डिसाइड कर ही लिया? देखिए, मेरी बातचीत कल हुई है पार्टी के शीर्ष नेताओं से और आज पार्टी मुझे बताएगी कि कब क्या करना है, नहीं करना है। तो जो पार्टी का डिसीजन आएगा वो मेरे शिरोधारी है, चाहे आज कराएं चाहे जब भी कराना चाहें, मैं तैयार हूँ। और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का आज बड़ा रोड शो होने जा रहा है। शाम 5:30 बजे का समय तय किया गया है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी को खुली चुनौती शुभेंदु अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी ने कल चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भवानीपुर सीट को छोड़कर एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी ओर आज वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। खुली चुनौती ममता बनर्जी को दे चुके हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पहले इस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही थी कि हो सकता है भवानीपुर नंदीग्राम दोनों सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़े, लेकिन कल तस्वीर साफ हो गई, सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम की सीट पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं ममता बनर्जी। और उधर खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र बताने वाले शुभेंदु अधिकारी ने दीदी पर जोरदार हमला बोला। शुभेंदु ने दीदी पर हमला करते हुए साफ तौर पर कहा, भवानीपुर की अपनी सीट छोड़कर आखिर क्यों भाग रही है ममता? वहां से जितने वोटों से हारती उससे 3 गुना ज्यादा वोटों से दीदी को हराएंगे। शुभेंदु ने कहा कि अब जंग के मैदान में मुकाबला होगा और मुलाकात भी होगी और 2 मई को बंगाल से हरा रंग हट जाएगा और गेरुआ छा जाएगा। और चलिए चक्रव्यूह में बात करेंगे तीसरी अहम खबर की। बंगाल की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। जी हिंदुस्तान के पास ओबीसी की तानाशाही पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है और देखिए वो जो खुलासा करेगा ओबीसी का पर्दाफाश हम करेंगे। देखिए बंगाल चुनाव से पहले ये सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एक ऐसा ऑडियो जो करेगा असदुद्दीन ओवैसी के तानाशाही चेहरे का खुलासा। सुनिए। जमीरुल हसन बोल रहा हूँ सर, यहाँ से कलकत्ता से। बोलिए। यहाँ के बारे में कुछ बात करनी थी साहब आपसे। नहीं, आप तो टीवी से बात कर रहे हैं, टीवी से बात कर लीजिए। आप तो सदर बने हुए हैं, आप तो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, पॉलिसी का डिसीजन ले लेते हैं आप, तो अब क्या बात करना है साहब? आप तो जो चाहे बोले जा रहे हैं। आप क्या करें, आप और आसिम वखार 1.5 साल में कौन सा एक बनाए काम? देखिए सर, नहीं बेकार बात मत करिए आप। और आप माजिद को बोलते हैं, आप माजिद को नहीं मालूम हमारी मेहनत पानी फेंक दी। क्या मेहनत करें आप, कौन सा पार्टी बनाए बताओ आप? यही तो अफसोस है सर, यही तो अफसोस है कि हमने जिम्मेदारी आपकी है ना, जिम्मेदारी आपकी आसिम बखार की है ना। जिम्मेदारी तो असीम बखार साहब की थी, हमारी नहीं थी सर। बेकार बात कर रहे हैं आप। आसिम बखार का प्लेन का टिकट देते, होटल में ठहरने का टिकट पैसा देते और फिर आप बोल रहे हो आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर। अगर वो कहते हैं हमसे कि भाई आप मुझे बुलाइए तो मैं बुलाता हूँ। छोड़िए जमीर साहब, छोड़िए आप, आपको कई मरता वाले टीवी मत जाइए। सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बने हुए आप, सेल्फ स्टाइल स्पोर्ट्स पर्सन बने हुए हैं। आपसे सर आज से बात हो गई, इसके बाद आप कभी भी शिकायत नहीं है। आपको मेरे से बात करना जरूरी नहीं है, जब एक आदमी को मैं जिम्मेदार बना के आपको बोला कि मत जाइए, मत बोला करिए, आप बोले जाते हैं आप। सर एक चीज बोलूं आपको सर, वहाँ पर उन्होंने मुझे 4 दिन बाद जमीर साहब आप मुझसे ऐसी बात मत करिए, आपको छोटे बच्चे नहीं ना, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। और चलिए अब चौथे अहम खबर की बात करते हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज आंदोलनजीवियों ने KMP एक्सप्रेसवे पर जाम लगाया। कुछ इलाकों में चक्का जाम का असर दिखा, हालांकि ज्यादातर जगहों पर इसका कोई खास असर नहीं रहा। सोनीपत के पास बड़ी संख्या में किसान सड़क पर बैठे नजर आए। तस्वीरें तो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखे किस तरीके से यहाँ पर अभी भी इस आंदोलन को जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन आज श्रृंखला में बात होगी असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों से धोखे की और असली चेहरे की। और खबरें जी हिंदुस्तान पर दिन भर लगातार जारी, बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर सबसे पहले जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।